नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश भर में फैल रहे लंपी वायरस के खतरे को देखते हुए शासन स्तर पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में लंपी वायरस की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन शासन ने जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं कि जहां लंपी वायरस अभी तक नहीं पहुंचा है, वहां पशु चिकित्सा विभाग को अलर्ट करते हुए बॉर्डर को सील कर दिया जाए। हालांकि लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर लंपी वायरस की पुष्टि हुई है, लेकिन शासन स्तर पर अभी तक मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा पशु देखने को नहीं मिला। राज्य सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने लंपी वायरस को लेकर गाइडलाइन जारी की है। सरकार के द्वारा रोग की पहचान और नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश बताए हैं। साथ ही रोग की पुष्टि के लिए सैंपल लेकर राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भोपाल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइन में बताया गया है कि लंपी स्किन डिजीज पशुओं की एक वायरल बीमारी है। यह पॉक्स वायरस से फैलती है और मच्छर मक्खी के काटने आदि से यह एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। इधर लंपी वायरस को लेकर रीवा जिले में पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा पशुओं पर सतत निगरानी रखी जा रही है। लंपी वायरस से बचाव के लिए पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा पूर्व से ही 5,000 वैक्सीन जबकि 3,000 वैक्सीन के अलग से ऑर्डर दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के चलते हजारों सूअरों की मौत पशु चिकित्सा विभाग रोक नहीं पाया। शायद यही कारण है कि लंपी वायरस से गायों को बचाने के लिए प्रशासन पूर्व से ही तैयारी कर रहा है। लंपी वायरस को लेकर जिले में क्या स्थिति है और क्या किस तरह के अभी तक मरीज सामने आए? लंपी वायरस अभी जिले में कहीं भी कोई केस है सबको पता नहीं चल रहे हैं। सब जगह अपन ने सर्कुलेशन दे दिया है कि जिले की जितनी भी बॉर्डर से जितने प्रदेश से जुड़ती हैं तो वहाँ से आवागमन, लेकिन इस बारे में कलेक्टर महोदय ने भी आदेश जारी किए हैं कि आवागमन पशुओं का निषेध है, वहाँ प्रतिबंधित है। दूसरे जिलों से, दूसरे जो प्रदेश है, खासकर जो यूपी से जुड़े हुए अपने बॉर्डर से, और एट प्रेजेंट अपने यहाँ पे लंपी वायरस का कोई भी केस नहीं है। इसके लक्षण क्या है वैसे मैम? लंपी वायरस, लंपी वायरस में पशु को तेज बुखार आता है और उसके शरीर पे पूरे मतलब गोल नोड्यूल्स आ जाते हैं, लंपी नोड्यूल्स वो बन जाते हैं, तो वो सॉफ्ट रहते हैं, कई बार वो फूट भी जाते हैं, पूरे बन जाते हैं, और खासकर नेक रीजन में थोड़े बड़े लम्स भी बन जाते हैं। इसमें तेज बुखार होता है, खाना पीना छोड़ देता है पशु और दूध उत्पादन कम हो जाता है। इसके लिए क्या मतलब अगर कुछ होता है इसलिए क्या तैयारी की गई पूरी से आपके द्वारा? इसके लिए हमने जिले में 5,000 वैक्सीन भोपाल से मंगाई है संचालनालय से। इसके अलावा हमने 3,000 वैक्सीन खरीदने के लिए भी ऑर्डर दे दिए हैं। जैसे ही आती है तो हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू करने देंगे। अभी मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पे अभी कुछ आइडिया? मध्य प्रदेश में अभी कोई केसेस है नहीं, राजस्थान बॉर्डर पे है, तो उस बॉर्डर पे अगर होंगे तो कुछ प्रभावित होगा, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है।